लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज है करवा चौथ और मेरी सभी सुहागन बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सुहाग अखंड रहे, खूब लंबी उम्र हो सबके सबके पतियों की, और यही दुआ करती हूँ मैं आज सबके लिए। और करवा चौथ के उस पर मैंने आज मॉर्निंग में नहा करके सूट डाल लिया था, आप देख लीजिए सूट मेरा, और ये दुपट्टा मैच कर गया था तो दुपट्टा मैंने डाल लिया है। और मेरे हाथों की मेहंदी देखिए, और चूड़ियां मैंने अभी थोड़ी सी डाली थी नहाने के बाद, क्योंकि शाम को मैं जब साड़ी पहनूंगी ना तभी डाल लूंगी। और मैंने जो है अब मेहंदी देखिए, यार मेरी मेहंदी कैसी रची है आप मुझे जरूर बताना। और बस अब मैं चल रही हूँ खाने की तैयारी करने, क्योंकि हमारे यहाँ बायना निकलता है खाने का भी, तो मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं किचन में। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने खीर बनाई है और खीर बनने रख दी थी, तो धीरे धीरे खीर बन गई और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दी है, तो खीर मेरी रेडी हो गई है। 3 बजे से मैंने ये खाना बनाना स्टार्ट किया था सुबह, उससे पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया था, फिर लंच बनाया था 2:30 बजे करीब। लंच निपटा करके ही मैं ये पूजा का खाना बनाना शुरू कर रही हूँ अब। और छोले मैंने उबालने भी रख दिए थे फिर 3 बजे से, और अब उबल गए हैं तो अब इसे फ्राई कर रही हूँ मैं मसाले को, और उसमें छोले डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो अब ये छोले मेरे फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसे कुकर में ही पलट दिया, क्योंकि कुकर में एक सीटी भी लगानी है अभी इसमें, और फिर इसमें ढके हुए रखे रहेंगे। और धनिया डाल दिया है तो ये छोले भी रेडी हो गए। आटा मैंने गूंद के रख लिया था, लोइयां बना ली हैं, पूड़ियां तल रही हूँ देसी घी में, और पूजा के लिए देसी घी में ही तलते हैं हम। और इसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। खाना बनाने के बाद मैं रेडी हो गई थी, साड़ी पहन ली थी मैंने, उसके बाद खाना निकाला है ये थाली में, थाली लगा ली है। अब बस चंद्रमा निकलने वाला है, तो चंद्रमा का इंतजार है। और यहाँ मेरा रखा है ये बायने का सामान, बस मैं बायने का सामान पहुँचाने वाली हूँ। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है माता की, मैंने दिया जला दिया है, ये थाली भी मैंने ऊपर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तैयार कर ली है। अब बस करवा उठाऊंगी और चंद्रमा को अर्घ देना है, बस इतना मेरा काम हो गया। अब पूजा करने के बाद सभी लेडीज यहाँ पर इकट्ठा होकर के बैठ गई हैं। करवा तो सब लोग अपने अपने घरों में भर लेते हैं, आजकल कोई भी बाहर नहीं भरता जा करके। हाँ गांव में थे हम लोग तो सब लोग लेडीज इकट्ठा हो जाती थी और फिर सब लोग इकट्ठे होकर के करवा भर के लेके आते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। और हम सब लोग पूजा करके करवा भर के अपने घरों में रख करके पूजा करके यहाँ बैठ जाते हैं, और यहाँ पर गीत गाने वाने चलते रहते हैं और सब बातें करते रहते हैं। यहाँ सब लोग अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, तो बस इस तरह से फोटो शूट कर लेते हैं और अपने इन्जॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं, चंद्रमा निकलने का वेट कर रहे हैं। और चंद्रमा निकल आएगा तब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर व्रत खोलेंगे। चंद्रमा निकलने का टाइम हो रहा था तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए वहाँ से, और अब मैं भी घर आ गई हूँ। फ्रेंड्स 9 बज चुका है, चंद्रमा अभी तक निकला नहीं, और अब इंतजार जो है हो नहीं रहा क्योंकि पूरा दिन हो गया और निर्जला व्रत रखा है, पानी भी नहीं पिया है। और अब बस प्यास लग रही है सबसे ज्यादा, भूख तो नहीं लग रही है, प्यास बहुत लग रही है। तो बस जल्दी से चंद्रमा निकले और हम जो है व्रत को खोलें पानी पी करके, तो बस जल्दी से चंद्रमा निकल जाए उसका इंतजार कर रहे हैं हम। टाइम देख सकते हैं फ्रेंड्स 9:15 हो रहा है, और यहाँ पर यूपी में तो अधिकतर जगह बारिश भी हो रही है इस समय, और यहाँ पे भी बादल हो रहे हैं, तो इसकी वजह से चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम फिर भी वेट कर रहे हैं और यहाँ अपने फ़ोटो शूट कर रहे हैं पति के साथ। तो यहाँ थोड़े से फ़ोटो ले लिए हैं, और ये बेटी भी देखो चुनरी ओढ़ करके आ गई। और फ्रेंड्स 10 बज गया था और चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत बादल थे, आंधी सी भी आ रही थी, अब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो चंद्रमा तो दिखाई नहीं दिए। तो हमने हमारे रिलेटिव हैं बरेली में, तो बरेली में चंद्रमा दिख गया था, तो हमने वीडियो करी चंद्रमा को देख करके। इस बार जो पहली बार ऐसा हुआ था कि फिर वीडियो पर चंद्रमा को देखे थे और अर्घ दिया था, तो यहाँ मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि उसी पर मेरा जो था वीडियो आई हुई थी मेरे मोबाइल पर ही, तो उसी को देख करके मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया था। और यहाँ पर दिया जला दिया है, और यहाँ पर अब हम चंद्रमा की मैंने पूजा करी है, उसके बाद पतिदेव की पूजा कर रहे हैं तिलक विलक लगा करके। और बस
इस तरह से फ्रेंड्स पहली बार हुआ था कि मैंने चंद्रमा को नहीं देखा, और बहुत से जो हैं मेरी बहनें हैं जो सुहागने हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि चंद्रमा नहीं दिखाई दिए हैं कहीं कहीं, तो मजबूरी में फिर ऐसे ही करा होगा। तो आपने किस तरह से व्रत को खोला, चंद्रमा को देखा या बिना देखे ही आपने व्रत खोला, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। फ्रेंड्स ये था मेरा करवा चौथ सेलिब्रेशन, और इस बार ऐसा हुआ कि बिना चंद्रमा को देखे ही, डायरेक्ट नहीं देख पाए, इनडायरेक्टली चंद्रमा को देख करके अर्घ दिया था और व्रत खोला था। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार और आपको शुभकामनाएँ देती हूँ करवा चौथ की, वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।